लेटर मेरे सामने है जिसमें लिखा हुआ है कि कई अदालतें भ्रष्टाचार से जो है ग्रसित हैं और उससे वो अपने आप को जो है बता रहा कि मैं भी जो है उससे जो है पीड़ित हूँ और मैं जो है कई जजों को जो भी इस तरीके के भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनको जो है बम से उड़ा दूंगा। 23 से 30 तारीख का उसने समय दिया है और उसने नीचे लेटर में लिखा है निषाद मंच अभियुक्त अनुयायी जन मारो संगठन कानपुर नगर और इस तरीके से धमकी दी है। जैसा लग रहा है कि कोई सिरफिरा इंसान है और इस तरीके से आज तक कचहरी कानपुर कचहरी में कोई घटना ना हुई है और हम अधिवक्ताओं में एकता है, इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति कचहरी के अंदर ना घुस पाएगा और ना कोई हिमाकत कर पाएगा। लेटर जिला जज महोदय को और कप्तान साहब को जो है हमारे ADF इस समय इंचार्ज हैं, DA साहब है नहीं है, तो उन्होंने लेटर लिख दिया है और अभी 4 बजे के बाद मीटिंग हो जाएगी, सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। अभी कोई चेकिंग एक्टिविटी? हाँ, गश्त चल रही है, CO साहब आए हुए हैं, कोतवाल भी हैं और कचहरी में जो है गश्त दी जा रही है। मंच उस पर लिखा हुआ है लेकिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, नहीं कोई पता है। एक पत्र प्राप्त हुआ है तो उसमें न्यायालय को बम से उड़ाने की बात उसमें कही गई है। उसके एवज में हम लोगों ने ये एहतियातन ये तय किया है कि न्यायालय की सुरक्षा और पुख्ता की जाए। इसके लिए 3 स्तरीय निर्णय हुआ है कि गेट पर जो भी भवन में गेट बने हुए हैं उन पर फ्रिस्किंग चेकिंग होने के बाद ही किसी को अंदर जाने दिया जाए, इसमें बाहर का भी सहयोग लिया जाएगा। दूसरा, इसकी प्रतिदिन एंटी-सेबोटाज चेकिंग और BDS से चेकिंग करा के बाकायदा सुनिश्चित हुआ जाएगा कोई ऐसी अवांछित चीज़ तो नहीं है। तीसरी, इसमें 2 या 3 बार या जैसा भी अवसर आएगा मैक्सिमम हम अपनी गश्त कराएंगे भारी फोर्स के साथ। इसमें SHO साहब हम लोग स्वयं रहेंगे और पूरे सर्किल की फोर्स लेकर। तो इसके साथ ही ये तीनों स्तरों पर कार्रवाई करने के अलावा हम इस पर भी तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर ये पत्र कहाँ से आया हुआ है, इस पर भी छानबीन की जा रही है। इसके नाम ये पत्र है, पत्र में क्या लिखा? पत्र जहाँ तक मुझे ये ऊपर संबोधित है जिला जज महोदय कानपुर नगर और नीचे लिखा है अखिल भारतीय निषाद मंच करके है। तो ये जहाँ तक प्रथम दृष्टिया तो प्रतीत ये हो रहा है कि हो सकता है कि किसी खुराफाती व्यक्ति की कारस्थानी हो, लेकिन हम लोगों ने इसे पूरी गंभीरता से लिया है और न्यायालय की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। इस पर कोई समय डेट भी दिया होगा कि इस समय से इस समय तक कदम उठाया जाएगा? 23 तारीख से 30 तारीख उसने उल्लेख किया है, लेकिन मेरा यही मानना है कि इसको थारली चेक करने की आवश्यकता है। हम लोग अपनी तरफ से भी न्यायालय की सुरक्षा के लिए कृतसंकल्पित हैं, पूरी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और पत्र की बातों को हम लोग अपने स्तर से भी छानबीन कर रहे हैं। हम लोग सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम कर रहे हैं।